भैया पिल्लर जो सामान ही पीछे रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा तो जगह संकल्प किया उसे आपने सफल बनाया। ये कोई चुनाव का परिणाम नहीं है, इस देश की तमाम धार्मिक आध्यात्मिक दृश्य अदृश्य शक्तियों के आशीर्वाद का परिणाम। 2017 में कोई कल्पना करता था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन ऐसी आशीर्वाद की बरसात हुई कि लोग नहावत में कहते छप्पर फाड़ के भगवान ने दिया, छप्पर फाड़ कर दिया। तो भगवान ने जनता के माध्यम से छत फाड़ करके हमको दिया और 325 विधायकों के साथ हमें यूपी में सरकार बनाने का मौका। 2019 का आया लोकसभा चुनाव, कई लोग तो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी करने लगे, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अब लोगों के दिल में जगह बना चुके हैं और कोई दूसरा स्थान नहीं है। इसलिए फिर से विजय दिलाने के बाद 2014 से देश भर का आंकड़ा जोड़ते हैं तो 2014 से बड़ी विजय 300 से अधिक सीटें जिता दिया और फिर से देश की बागडोर तब सौंपने का काम किया 64 सांसदों के साथ, जब यूपी के अंदर सपा बसपा या दो हमारे विपक्षी दल के साथियों ने गठबंधन कर लिया। एक ने यहाँ कल यहाँ कौन ब्राह्मण सम्मेलन करने के लिए उनको याद दिला दिया, करीब मैं छोटा था, मैं राजनीति में तब नहीं था, लेकिन उस समय क्या नारा लगता था, तिलक दराजो अब आगे मत बोलिए, लगता था कि नहीं लगता था, कौन लगवाता। तो इसलिए मेरा आप सब ध्यान में रखिए, समाजवादी पार्टी इनकी गुंडागर्दी आप बताओ, इस प्रयागराज के रहने वाले हो, इस प्रयागराज का आप चाहिए कानपुर की ओर जाइए, चाहे आप बनारस की ओर जाइए, चाहे लखनऊ की ओर जाइए, चाहे अयोध्या की ओर जाइए, कौन सा ऐसा रोड था जहां 100-200 गुंडे दिन भर बैठे नहीं रहते राइफल बंदूक लेकर। आज वो गुंडे खत्म किया कि नहीं किया, और इससे गुंडों के बल पर तो सरकार में आते हैं, हम गुंडों को नियंत्रण कर सकते हैं क्या, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं आने वाले समय में पूरी तरह से गुंडाई को खत्म कर देंगे। अरे उन्होंने बुआ भतीजे मिलकर 15 साल सरकार चलाई, अपने में तो 60 साल चलाए, लेकिन 60 साल और 15 साल का हिसाब करिएगा, कितनी बिजली आती थी, कितनी गुंडाई होती थी, कितने जमीन मकान पे कब्जा होते थे, यही प्रयागराज में कुंभ हुआ था 2013 का, आप बताइए याद है आपको, श्री अखिलेश यादव यहाँ नामे आए थे, बताओ मुझे, आप मुझे नहीं बताओ आए थे नहीं आए थे। आपके आशीर्वाद का प्रताप है कि अगर 2014 और 17 में आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया तो चाहे श्री अखिलेश यादव जी हो उनको भी संगम में डुबकी लगाने आना पड़ा, और चाहे राहुल गांधी जी हो उनको जाके मंदिरों में ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ा। ये विवश हुए हैं, लगातार निरादर करते थे, लेकिन आज क्यों आदर कर रहे हैं, ये सारी बातें आप सब ध्यान में रखिएगा। या बात जनता पार्टी जिंदाबाद।